press the bell icon on the YouTube app and never सारे सर्वे करने के बाद उसके प्रूफ सर्वोच्च न्यायपालिका को देने के बाद उनको 3 साल नजर बंद होकर के सिक्योरिटी में रहना पड़ा. किसके डर से? हिंदुओं के डर से नहीं, मुसलमानों के डर से, क्योंकि मुसलमान उनका गला रेतना चाहते थे कि तुमने सच्चाई राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट को क्यों दी, तुमको झूठ बोलना चाहिए था, तुमको सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी. तो के मोहम्मद साहब तो मुसलमान थे ना, क्यों याकूब मेमन के जैसे टेररिस्ट जो बम धमाके में महाराष्ट्र में इसी बॉम्बे में महाराष्ट्र में बम धमाके में 93 बॉम्ब ब्लास्ट में उसने पूरे महाराष्ट्र को क्या पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था, उसके जनाजे में मुसलमानों का सैलाब उमड़ पड़ा था जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, और सेम दिन एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज थी, वहां पर मुसलमानों की कमी थी, मुसलमान नहीं थे. अब आप सोचिए, नाले में गटर में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है याकूब मेमन जैसे टेररिस्ट की, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे या भारत के पूर्व राष्ट्रपति के जनाजे की नमाज में मुसलमान नहीं जाना पसंद किए थे, क्योंकि मुसलमानों ने गाहे बगाहे अपनी हरकतों को बताया है और अपनी एक्टिविटीज से बताया है कि उनको टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म करने वाले लोग ही पसंद है. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे. आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. तो आज की इस लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को और भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिला खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू. तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें. तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे. जय हिंद जय भारत. पॉकेट में मुसलमानों के पैसा नहीं होता है मुजफ्फर, और माथे में अकल नहीं होता है, हाथ हिला करके काम करने का शऊर भी नहीं होता है, लेकिन पैंट का जिप खोल करके बलात्कार करने की समझ पूरी होती है, जुबान मुंह खोल करके जबान से गंदी गंदी गालियां देने की समझ पूरी होती है मुसलमानों को. मैं आज फिर से कह रही हूं कि इस्लाम बुरा नहीं है, मुसलमान बुरे हैं और उनको मान लेना चाहिए अब, क्योंकि अब भी वक्त है कि अगर वो मान करके सुधर जाते हैं तो अब भी उनके लिए रोशनी है, उनके लिए दरवाजा खुल सकता है. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर 10 साल और मुसलमान नहीं सुधरे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो चंद ऐसे देश हैं जो मुसलमानों को बॉयकॉट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी दुनिया एक दिन मुसलमानों को बॉयकॉट कर दे और उनको नीच और गरीबी नजरों से देखे. मैं मानती हूँ कि अपराध को मजहब या धर्म से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जब काले कोट को पहन करके जब मैं न्यायपालिका में खड़ी होती हूँ तो उस वक्त एक क्रिमिनल सिर्फ मेरे लिए क्रिमिनल होता है. अगर वो बलात्कारी नासिर खान है तो वो नासिर खान मैं नहीं बोलती हूँ, एक्यूज्ड बोलती हूँ. और अगर वो बलात्कारी कोई हिंदू होता है तो भी मैं उसका नाम नहीं लेती हूँ, मैं उसको एक्यूज्ड ही बोलती हूँ, ना कि हिंदू और मुसलमान बोलती हूँ. लेकिन जो हिंदुओं के वेद और ग्रंथ है, जो उनके अध्याय है, जो उनकी धार्मिक किताबें हैं, उसमें तो ये चीज सिखाई नहीं गई ना कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा. हिंदुओं के स्कॉलर्स ये तो आकर नहीं बोलते हैं ना कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, रेप इज अप्रूव्ड इन इस्लाम या उनका या हिंदू धर्म. अभी हालिया में एक स्कॉलर, लेडी स्कॉलर ने बजाफ्ते अपना आर्टिकल छापा है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे इस्लाम के हिसाब से गैर हिंदू महिलाओं का रेप करना जायज है. तो उन्होंने साफ आर्टिकल छापा है. अब आप बताइए कि जिस बेशर्मी की बातें आराम से इस्लामिक स्कॉलर कर लेते हैं, मैंने तो भाई सुना कि कोई शिक्षित हिंदू स्कॉलर ऐसी बेशर्मी और बदतमीजी की बातें कर रहा हो. आपको पता है मेरे भारत में के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर्वे करते थे, फॉर्मर जो चीफ थे वो, उनको अयोध्या राम मंदिर के सारे सर्वे करने के बाद उसके प्रूफ सर्वोच्च न्यायपालिका को देने के बाद उनको 3 साल नजर बंद होकर के सिक्योरिटी में रहना पड़ा. किसके डर से? हिंदुओं के डर से नहीं, मुसलमानों के डर से, क्योंकि मुसलमान उनका गला रेतना चाहते थे कि तुमने सच्चाई राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट को क्यों दी, तुमको झूठ बोलना चाहिए था, तुमको सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी. तो के मोहम्मद साहब तो मुसलमान थे ना, क्यों याकूब मेमन के जैसे टेररिस्ट जो बम धमाके में महाराष्ट्र में इसी बॉम्बे में महाराष्ट्र में बम धमाके में 93 बॉम्ब ब्लास्ट में उसने पूरे महाराष्ट्र को क्या पूरे भारत को
हिला कर रख दिया था, उसके जनाजे में मुसलमानों का सैलाब उमड़ पड़ा था जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, और सेम दिन एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज थी, वहां पर मुसलमानों की कमी थी, मुसलमान नहीं थे। अब आप सोचिए, नाले में गटर में मुसलमानों ने नमाज पढ़ी है याकूब मेमन जैसे टेररिस्ट की, लेकिन लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे या भारत के पूर्व राष्ट्रपति के जनाजे की नमाज में मुसलमान नहीं जाना पसंद किए थे, क्योंकि मुसलमानों ने गाहे बगाहे अपनी हरकतों को बताया है और अपनी एक्टिविटीज से बताया है कि उनको टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म करने वाले लोग ही पसंद है। आप देखिएगा कि हम टीवी चैनल्स पर हमेशा बैठते हैं, मैं तो नेशनल चैनल पर ही ज्यादा बैठती हूँ, तो हिजाब को लेकर के हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब जो आपके ही पाकिस्तान के कासिम रिजवी और रजाकार फौज के आखिरी सिपा सालार यहाँ पर है, हर वक्त चढ़चढ़ाते और मरमड़ाते रहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। शर्म नहीं आती असदुद्दीन अवैसी को कि हमारे पीरियड्स की बात करते हो तुम लड़कियों का बच्चियों का सलवार झाकते हो कि कब कब ब्लड आ रहा है बच्चियों के सलवार में, मैंने जुबान से बोल दिया तुम्हें खराब, और तुम एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज बोल रहे हो तो तुमको शर्म नहीं आ रही है। तुम्हारी बेटी की प्यूबर्टी हुई थी असदुद्दीन अवैसी की बेटी की प्यूबर्टी हुई थी तो उसने शादी कर दिया था क्या? अब आती है बात, ये जितने भी मुस्लिम क्लेरिक और प्रीचर हैं मुजफ्फर भाई, ये औरत को खेत बेल बोलते हैं, ये एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं, ये हमारे पीरियड्स की बात करते हैं। हलाला करने के लिए सबसे पहले ससुर खड़ा हो जाता है, सबसे पहले देवर खड़ा हो जाता है, सबसे पहले जेठ खड़ा हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि इन्होंने कभी कुरान के पहले वर्ड इकरा का प्रचार क्यों नहीं किया? कुरान का पहला वर्ड तो इकरा है, मतलब एडुकेशन है। आपने कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई जलसा जुलूस हो रहा है या भारत में कोई जलसा जुलूस हो रहा है कि इकरा हम मानेंगे और सरकार को इकरा मानना होगा? आपने ऐसा कोई जलसा जुलूस भारत में देखा या पाकिस्तान में देखा? नहीं, यहाँ पर सिर्फ चार शादियां 72 हो रहे और जिहाद, ये चीजों इन चीजों को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, अब आती है बात कि हिजाब तो पहनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लुंगी डांस कर लेते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब भी, तौकीर भी, और जितने भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हैं जाली चिटिंगबाज मुसलमान और कहते हैं नेशनल न्यूज पर खड़े होकर के सूरे अल नूर में हिजाब का जिक्र है, हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। अच्छी बात है भाई, हालांकि सूरे अल नूर में हिजाब का जिक्र नहीं है, जिलबाब का जिक्र है, एंड जिलबाब इज एन अरबिक वर्ड जिसका अर्थ निकलता है, जिसकी मीनिंग होती है लूजर आउटफिट। अब भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, पूरे सूरे अल नूर पे आ जाओ, ये सूरे अल नूर में और क्या क्या बातें लिखी हुई हैं? ये चेहरा ढकने को प्रॉफिट साहब ने बोला क्यों था? ये लूज कपड़े पहनने के लिए प्रॉफिट साहब ने कहा क्यों था? बी पीस अपॉन हिम क्यों कहा था? ये भी तो बताओ, ये नहीं बताएंगे। चले आज इसका खुलासा हम करते हैं। मिस्र और अरब में जब महिलाओं के शरीर के वजन से उनको बेचा जाता था और उनको उनको बिचवाया जाता था, वो औरा बहुत जमाने तक चला। काफी यहूदी मिस्र और अरब में दौड़ दौड़ करके मक्का की तरफ आते थे और कहते थे कि वहां पर इतनी लौंडियां मिलती हैं और स्लेव मिलती हैं, अगर हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और यहूदी अपना अपना कन्वर्शन करवाते थे और बहुत सारी लौंडियां और बांदियां इस्लाम कबूल करने के एवज में लेकर के जाते थे। अब आती है बात कि लफ्ज जिलबाब कब आया सूरह अल-नूर में? लफ्ज जिलबाब तब आया जब ये ठरकबाजी की प्रकाष्ठा क्रॉस कर चुकी, मतलब हद पार कर चुकी, तो मर्द जो है वो राह चलते हुए औरतों के अजू को छू छाप करना स्टार्ट कर दिया था। ठरकबाजी की हदें इतनी क्रॉस हो चुकी थी कि औरतों के अजू पर हाथ मारते थे राह चलते हुए मुसलमान मुसलमान औरतों के। मिस्र और अरब की बात मैं कर रही हूँ, मैं 620 एडी 630 एडी की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला के फरिश्ते ने आकर के प्रॉफिट को कहा कि अपने घर की तमाम औरतों को खवातीनों को कहें कि वो जिलबाब पहने, जिलबाब मतलब लूजर आउटफिट पहने, जिससे कट्स जो है उजू जो है वो समझ में ना आए और अपना चेहरा ढक ले, ताकि जो छेड़छाड़ करने वाले जो अश्लील मर्द हैं वो किसी भी औरत को पहले कंफ्यूज हो जाएं कि इस पर्दे में मेरी माँ है या मेरी बहन है, तो कहीं ना कहीं ये जो अश्लीलता है ये कंट्रोल में आ जाएगी। पर नहीं, ये
सारे ये सारे सारे डिटेल्स नहीं देते हैं, सिर्फ खड़ा होकर के क्या बोलेगा साजिद रशीदी, हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। अच्छा वो तो अंग्रेजी भी नहीं जानता, हिजाब तो हमारे इस्लाम का हिस्सा है, हिजाब तो हमारे इस्लाम का हिस्सा है। अरे भैया हिजाब निकाब बुरका तो हमारे इस्लाम हमारे अलकुरान में लिखा हुआ नहीं है, जिलबाब है। और अच्छे घर की लड़कियां कभी भी रिवीलिंग कपड़े पहन करके मुआशरे में घूमेंगी ही नहीं, वो एक मखसूस जगह होती है जहां पर वैसे कपड़े इंसान पहन करके चला भी जाता है अपने दोस्तों के बीच में, अपनी अपनी फ्रेंड्स के बीच में। अदरवाइज मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हूं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं देखा मेरा पूरा इंस्टाग्राम छान मारी है, मैंने तो नहीं पहना तो नहीं देखा। हाँ एक वक्त था जब मैं क्लास 9 में थी 10 में थी 11 में थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन उस वक्त बच्ची थी। लेकिन हमारे इस्लाम में तो 6 साल की बच्ची बच्ची भी नहीं होती है, वो तो औरत। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर चौधरी और भारतीय बेटी और सुप्रीम कोर्ट के दबंग वकील नाजी लाई खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत।